दिल्ली के पुराणी विधानसभा के मुख्य मेलपुर गांव में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के युवा नेता मुदित अग्रवाल द्वारा और साथ ही उम्र गाना दोबारा रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही नए वर्ष के उपलक्ष्य पर लोगों को बधाई भी दी और साथ ही मुदित अग्रवाल जी को 36 बिरादरी की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही मुदित अग्रवाल ने गांव के बड़े बुजुर्ग पुराणी विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्टॉल देकर स्वागत किया। साथ ही मीडिया एसआई बात करते हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही दिल्ली के 2019 में होने वाले चुनाव को लेकर भीम निधि अग्रवाल जी ने कहा, दिल्ली में है न ही बीजेपी सरकार ने कुछ किया है और न ही आम आदमी पार्टी ने, और साथ ही लोगों का भरोसा दिलाया है कि इस तरह के भूत कार्यालय बनाकर लोगों में एक जागरूकता वह अपने कार्यों का पर पूरे दो कोई एक विधानसभा देखता है तो मैं ऐसे कार्यकर्ता और माननीय भगत जी के जो बूथ प्रेजेंटेशन का इनका समय कार्य होता था, बहुत बहुत बधाइयां। कभी कभी लगने लगता है भाई कांग्रेस की जगह कोई और होती तो पता नहीं हम कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो पिछले 5 साल मोदी के हैं और दिल्ली में जो केजरीवाल जी के हैं, लोगों को अब समझ में आने लगा है ये लोग झूठ बोल के से गुमराह कर रहे थे। तो ये अब लोगों की देखिए, कभी कभी लोगों को भी थोड़ा समय चाहिए होता। वो कहते हैं ना कि घर में बाप दादा ने बड़ा अच्छा काम किया, फिर बेटा आता है वो कहता है मेरे बाप दादा ने कुछ किया ही नहीं, उनको तो आता ही नहीं था, उनकी जगह मैं होता तो ये कर लेता। वो जवाब तो उनके बेटे देते ना आगे पुछाने में, भैया वो थे बच गए। अगर आज कांग्रेस ने 70 साल की जगह ये लोग आते हैं तो आप खुद सोच लीजिए क्या हाल होता। ये अब लोग समझने लगे हैं, ये बहुत फर्क है। चाहे महिला कांग्रेस हो, माइनॉरिटी हो, SC ST सेल हो, सबको जो शायद काफ़ी अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा था उन सबको दोबारा से संगठित किया और एक नई ऊर्जा प्रदान की, जिसका असर मिली है। ये तो 3 राज्यों में जो चुनाव जीत का ही है कांग्रेस पार्टी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा तो वहाँ से मिली है। देखिए ऊर्जा तो अलग अलग स्रोतों से मिलती है, ये तो देखिए मीडिया वालों का है, उनके लिए सिर्फ ऊर्जा एक ही स्रोत से आती है। ऊर्जा अलग अलग स्रोतों से आती है। कभी आपने सोचा वो इलेक्शन हम जीते क्यों हैं? अगर हम आपस में संगठित नहीं होते और राहुल जी ने और जो हमारे सेल्स हैं, चाहे महिला कांग्रेस हो, माइनॉरिटी हो, SC ST सेल हो, रोजगार हो, उन सबको संगठित किया मेन कांग्रेस के अलावा, तभी तो हम इलेक्शन जीते ना। आप सिर्फ जो चुनाव का मुद्दा था उन्होंने जितने भी किसान थे उनको झूठा लालच देके और चुनाव जीता है। ये बड़ी अजीब बात है, बीजेपी आप और क्या उम्मीद करते हैं? बीजेपी तो यही बोलेगी, वो ये थोड़ा कहेंगे हमने काम अच्छे नहीं किए इसलिए हम नहीं जीते। देखिए जब आप इलेक्शन जीतते कोई एक वजह नहीं होती इलेक्शन जीतने की, इलेक्शन जीतने की काफ़ी वजहें होती हैं। ये मीडिया वालों को बड़ा अच्छा लगता है ये सिर्फ एक ही इशू है जिसकी वजह से इलेक्शन जीत गए हार गए। जब इंसान ये मन बनाता है मुझे वोट किसको करना है, उसके अंदर काफ़ी विषय होते हैं, तो सब विषय अपना कार्य करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपको कभी सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखिए चुनाव की तैयारी क्या होती है, आपको अपना संदेश जनता तक पहुँचाना है, वो क्या सिर्फ चुनाव के दौरान पहुंचाएंगे, वो तो हर दिन होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं चुनाव का काम जिस दिन चुनाव खत्म हुआ है उस दिन शाम को शुरू हो जाना चाहिए। जब आपका चुनाव है और 5 बज गए और पोलिंग बंद हो गई, उसके अगले घंटे भी आपको चुनाव का काम करना चाहिए। हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो हमारे सारे पदाधिकारी हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी है 2400 घंटे कांग्रेस का जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाए और ये समझाए उनको कि कांग्रेस देश के लिए क्यों अच्छी है। देखिए हमने बहुत अच्छे काम किए हैं 70 साल में, लेकिन अपनी कमियों से सीख के वो काम हमें जनता तक भी पहुंचाने बहुत जरूरी है। जमीनी स्तर पे काम करना शुरू कर दिया फिर कांग्रेस ने दोबारा। देखिए कांग्रेस हमेशा जमीनी स्तर पे काम करती थी, लेकिन क्या होता है ना हर ऑर्गेनाइजेशन और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं, जैसे समय बीतता है कुछ ना कुछ कमियां आती रहती हैं। तो आपको हमेशा अपना आंकलन करना चाहिए और देखना चाहिए क्या आप त्रुटियां आप कर रहे हैं, क्या कमियां आपकी हैं, फिर उसको सुधारना चाहिए। देखिए ये तो बीजेपी मोदी जी और केजरीवाल जी हैं जिन्होंने आज तक कोई गलती नहीं की, वो तो परफेक्ट है, पता नहीं भगवान ने उनको परफेक्ट पैदा क्यों होगा। नहीं हमें बहुत कमियाँ हैं, लेकिन हमें आप खत्म तो करने दीजिए, हम अपनी कमियों से सीख के उनको सुधार के काम कर रहे हैं। नहीं गलतियां तो बीजेपी ने बहुत सारी की, नहीं वो मांगते नहीं है ना। ये भी बोला था कि 2000 युवा को हम नई नौकरी देंगे, क्या दो करोड़ दो करोड़ दो करोड़